नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। मोतिहारी के अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीएचसी अस्पताल के पीछे काफी मात्रा में दवाइयां मिली हैं। बताया जा रहा है कि सभी दवाइयों का डेट एक्सपायर है। जानकारी मिलते ही सिविल सर्जन ने आनन फानन में जांच के लिए एक टीम गठित कर दिया और जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। ऐसा है ना कि मैंने जैसे ही देखा समाचार पत्रों में इस न्यूज को, मैंने वहाँ कमेटी गठित करके उसकी जांच प्रतिवेदन देने को कहा और वहाँ की वहाँ पर जो घोड़ासहन में पदस्थापित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी थे उनका मूल पदस्थापना पताही में है, तो वहाँ की जो भी चीज़ जो पताही में गड़बड़ी पाई गई इसके लिए मैंने उनको डॉक्टर प्रेम सागर जी जो घोड़ासहन में प्रतिनियुक्ति पर थे और उनका मूल पदस्थापना पताही में है, उनको मैंने पताही में तो वहीं मोतिहारी के अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीएचसी अस्पताल के पीछे काफी मात्रा में, भारी मात्रा में जो है दवाइयों को जब्त किया गया है। वहां पर दवाइयां फेंक दी गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि वो सारी जो दवाइयां हैं वो एक्सपायर है, मतलब एक्सपायर हो चुका था वो दवाई और उसको लेकिन फेंक दिया गया अस्पताल के पीछे। लेकिन अब इस पर सिविल सर्जन ने त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ मोतिहारी से हमारे संवाददाता धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, अस्पताल प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, अस्पताल के पीछे भारी मात्रा में दवाइयों को फेंक दिया गया, आखिर वहां पर जो है जिला जो आप सिविल सर्जन है उन्होंने भी त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन ऐसा क्यों सामने आया है निकल के, क्या कुछ वजह रही थी इसकी, दवाइयों को क्यों अस्पताल के पीछे फेंका गया है? ये सरकार के द्वारा जो गरीब और जरूरतमंदों के लिए जो दवा जो भेजी गई थी वो पीएचसी प्रभारी और स्टोर कीपर और उनके जो कर्मचारी हैं उनके मिली भगत से ये बड़ी मात्रा में जो 6 महीने बाद यानी कि जुलाई 2021 में जो दवा की एक्सपायरी जो हो रही थी उन दवाओं को गरीबों और मजलूमों के बीच नहीं बांट कर और एक साजिश के तहत इसको बगीचे में फेंका गया है। ऐसा यूं कहा जाए कि पूर्वी चंपारण का पताही प्रखंड ऐसा प्रखंड है जहाँ के पीएचसी के कर्मचारियों के मिली भगत से वहाँ के बगीचे में दवा उपजाने की खेती की जा रही है। यानी कि दवाइयाँ जो थी बिल्कुल सही थी लेकिन जब वो एक्सपायर नहीं हुआ था उससे पहले जो है लोगों के बीच उसको दिया नहीं गया, लेकिन अब जब एक्सपायर हो गया तो उसे दवा अस्पताल के पीछे फेंक दिया गया। जी जी, अच्छा जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ धनंजय जुड़ने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।